हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज पुष्पा 2 का टीजर रिलीज हुआ है। मूवी दिसंबर में रिलीज होने वाली है और काफी टाइम से इस ट्रेलर का वेट था। आज ट्रेलर आया है, उसकी डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं कि कैसी मूवी देखने को मिलेगी, क्या हमें एक्शन देखने मिलेगा, किस तरह की स्टोरी आगे टेक प्लेस करती है और फर्स्ट पार्ट से क्या डिफरेंस मिलेगा। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शुरू करते हैं। तो इस ट्रेलर 2 मिनट 48 सेकंड का है और बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं ट्रेलर में। हालांकि बहुत सारे सीन कट कट करके दिखाए गए हैं, बहुत ज्यादा चीजें रिवील नहीं होती हैं, लेकिन हमें आइडिया हो जाता है कि थिएटर में क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रेलर में अल्लू अर्जुन को बहुत बढ़िया तरीके से मासी क्लासी तरीके से दिखाया गया है और जबरदस्त एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं। डायलॉग्स थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि मूवी में क्या होने वाला है। और स्टोरी के बारे में बात करूँ तो स्टोरी फर्स्ट पार्ट से आगे टेक प्लेस करती है, जो कि लाल चंदन की स्मगलिंग होती है, वो नेशनल से इंटरनेशनल ले जाते हैं, जो कि डायलॉग में भी दिखाया गया है। और इस बार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है पुष्पा का नाम इस लाल चंदन के बिजनेस में, जो कि ट्रेलर में उनका जो लुक है और उनका जो एक ऑरा है उससे लोग डरते भी हैं, काफ़ी बढ़िया पॉपुलर हो जाता है। और ट्रेलर देखने में यही समझ में आता है कि काफ़ी लोग उनकी जान के दुश्मन भी हो जाते हैं। दुनिया को दिखाएगा। और साथ ही रश्मिका मंदाना के साथ शादी के बाद के सीन्स दिखाए हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फहद फासिल के कैरेक्टर को देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में उनका ऑरा जो था फहद फासिल का, वो एकदम से ब्लास्ट नहीं करा गया, क्योंकि वो इस मूवी में एक जख्मी शेर हैं और काफ़ी बढ़िया तरीके से वाट लगाने वाले हैं अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर की। तो वो अपने जो तिकड़े हैं वो करेंगे ही, जिसे देखने में मज़ा आएगा। और फहद फासिल बहुत बढ़िया एक्टर हैं, पुष्पा 1 के बाद से उनकी काफ़ी फिल्में देखने के बाद लोग उनके फ़ैन हो गए हैं, जैसे कि विक्रम में उनको देखा था, अवेशम में और अवेटेन जो कि लेटेस्ट मूवी है। काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हो चुकी है फहद फासिल की भी, मैं भी काफ़ी ज़्यादा उनका फ़ैन हो चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं। तो इस बार ये मूवी देखने में बहुत मज़ा आएगा। एक होगी पार्टी। और म्यूज़िक की अगर बात करूँ तो म्यूज़िक भी काफ़ी सारा रिलीज हो चुका है, जो कि गाने हमने सुने हैं और काफ़ी हिट भी गए हैं। उनकी वीडियो नहीं आई है, तो वो वीडियो मूवी से पहले भी एक दो वीडियो निकाल देंगे या फिर डायरेक्ट हमें वीडियो मूवी में देखने को मिलेगी। पुष्पा का उसूल, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में समंथा का एक आइटम नंबर था उमंटा माओ, वैसा ही आइटम नंबर इस बार श्रीलीला परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी, जो कि बहुत बढ़िया डांसर है। उनका एक महेश बाबू के साथ गाना भी काफी पॉपुलर था, वो बहुत ज्यादा सुना गया, और श्रीलीला बहुत बढ़िया डांसर है, तो हो सकता है अच्छी कोरियोग्राफी और एक अच्छा गाना देखने को मिले। जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। मूवी काफी सॉलिड है, काफी बढ़िया, मजा आएगा मूवी देखने में। इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है तो यही माना जा रहा है कि 2000 करोड़ तक ये बिजनेस कर पाएगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये 1000-1500 करोड़ तक ही कर पाएगी, क्योंकि मूवी के रिलीज होने से पहले ही इसने सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स और ऑडिटरी राइट्स और थिएटर राइट्स सारी चीजें बेचने के बाद 400-500 करोड़ पहले ही कमा लिए हैं इस मूवी ने। और रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि इस मूवी के लिए अल्लू अर्जुन ने 300 करोड़ रुपए लिए हैं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। 300 करोड़ अगर उन्होंने फीस ली है तो वो इंडिया के सबसे ज्यादा महंगे एक्टर हो जाएंगे, और जिससे कि बजट बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा, तो उसके लिए रिकवरी भी बहुत ज्यादा अब तक कलेक्शन के साथ करनी पड़ेगी। तो ये चीजें साइड में रखते हैं, लेकिन मूवी के बारे में अगर बात करूँ तो हिंदी की डबिंग उन्हीं एक्ट्रेस ने करी है जिन्होंने फर्स्ट पार्ट में करी थी। श्रेयस तलपड़े ने अल्लू अर्जुन की डबिंग करी है, जो कि बहुत बढ़िया लगती है, कुछ यूनिक सा टेक है उनका, और अल्लू अर्जुन की पहले वाली डबिंग से थोड़ा सा अलग है। जब एक पति अपने भाई को की सुने तो क्या होता है। डर एक इस बात का है कि कई बार फर्स्ट पार्ट के बाद जब सेकंड पार्ट बनता है तो फर्स्ट पार्ट में जितने भी पॉपुलर सीन होते हैं, जो कि मनी शॉट होते हैं, उनको रिक्रिएट करा जाता है सेकंड पार्ट में, जहां पर सेकंड पार्ट की ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि इस पार्ट में भी काफी स्वैग वाले सीन दिखाए जाएं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में कुछ सीन्स पॉपुलर थे, इस पार्ट में भी कुछ नए सीन्स हों, फ्रेश सीन्स हों और मजा आए देखने में। वाइल्ड फायर है। तो गाइस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है मूवी के लिए, एक ही महीना बाकी है। आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो बताएं कमेंट करके कैसा लगा, आप कितने एक्साइटेड हैं मूवी के लिए वो भी कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय गाइस।